हाय एवरीवन, आदाब। आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। ये खिचड़ी खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, तो इसे बनाने के लिए आइए जान लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी भिगोया हुआ साबूदाना। साबूदाना हमारा इस तरह से फूला हुआ होना चाहिए, ये हाथ से अच्छी तरह से मैश हो जाए। हमने इसे 4 घंटा के लिए पानी में भिगो के रखा था, फिर इसमें जो एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ था इसे हमने छान के निकाल लिया है। 2 उबला हुआ आलू जिसे हमने छील के कट कर लिया है। 1 कटोरी उबला हुआ मूंग दाल, ये मूंग दाल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ही डालें। 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, ये टमाटर भी ऑप्शनल है, टमाटर के जगह में आप नींबू का रस भी डाल सकती है। 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, फ्रेश करी पत्ते, 50 ग्राम दरदरा कुटा हुआ मूंगफली, मूंगफली को मैंने भून के और दरदरा इसे पीस लिया है, 4 चम्मच देसी घी, हमने यहाँ पर मेल्टेड देसी घी लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड तेल से भी खिचड़ी बना सकती हैं। नमक हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, मैंने यहाँ पर नॉर्मल नमक लिया है, आप चाहें तो सेंधा नमक भी यूज कर सकती हैं। तो आइए खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाही में हम डालेंगे घी, फिर हम डालेंगे जीरा, जीरा को हम थोड़ा सा भुनने देंगे, अदरक, हरी मिर्च, आलू, आलू को हम 1 मिनट के करीब फ्राई करेंगे। 1 मिनट अब हमारा हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, ये मूंगफली, मूंग दाल, कड़ी पत्ते, फिर हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच में हम इसे 1 मिनट के करीब पकाएंगे। 1 मिनट अब हमारा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ये साबूदाना, फिर हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे।
सभी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा साबुत मूंगफली, मैंने रखा था इसे। इसे डालने से खिचड़ी बहुत अच्छा दिखता है। फिर हम डालेंगे हरा धनिया, एक बार फिर से हम इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। अब ये खिचड़ी हमारा बनके तैयार है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और खिचड़ी को हम गैस से नीचे उतार लेंगे। मैंने खिचड़ी को गैस से नीचे उतार लिया है। अब ये हमारा हेल्दी खिचड़ी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ये खिचड़ी हमारा कितना टेस्टी और यम्मी बनके तैयार हुआ है। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है, हम खिचड़ी को इसमें डालेंगे प्लेट में। ये टेस्टी खिचड़ी हमारा बनके तैयार है खाने के लिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।